आमिर खान अभी हमें एक सुपर हीरो के रोल में देखने मिल सकते हैं, मतलब वही क्रिस शक्तिमान जैसा वो रोल कर सकते हैं। उनकी मूवी एक डिस्कस हो रही है लोकेश कनगराज के साथ। इसके अलावा वो एक विलन के रोल में भी दिखेंगे, मतलब अब तक आपने उनको सिर्फ एज अ एक्टर एक हीरो के रूप में देखा है, लेकिन विलन का रोल भी करेंगे। तो बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में। तो ओके, मेरा नाम है हितेश, आप देख रहे हो हिट बॉय पिक्चर्स, लेट्स रोल। देखो आमिर खान की जो लास्ट मूवी थी लाल सिंह चड्ढा, मतलब वो बहुत ही बुरी तरह से मतलब बॉक्स ऑफिस पे पिट गई थी और लोग उनको अंडर एस्टिमेट करने लगे थे। लेकिन लेकिन ये वही आमिर खान है जिन्होंने मतलब दंगल मूवी से 2000 करोड़ कमा के दिए थे। मतलब जहां लोगों की ब्लॉकबस्टर मूवीज का कलेक्शन खत्म होता है वहां से उनका शुरू होता है। तो अंडर एस्टिमेट मत करना। उनकी अपकमिंग मूवीज ऐसी है मतलब उनका सॉलिड कमबैक हो सकता है, उसमें से कुछ रूमर्स है तो कुछ कंफर्म हो चुकी है। पहले बात करें तो एक सुपर हीरो के रोल में देखने मिल सकते हैं लोकेश कनगराज के साथ। उनकी मतलब एक मूवी की डिस्कशन चल रही है जहां उनको अगर ये स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वो एक सुपर हीरो के रोल में देखने मिल सकते हैं, जो मतलब बहुत ही क्रेजी होगा। मतलब अब तक उन्होंने ऐसा कोई रोल किया नहीं और फैंस की काफी डिमांड है कि वो ऐसे सुपर हीरो में देखने मिले, मतलब क्रिस की तरह, तो भाई मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा लोकेश कनगराज के साथ वो एलसीयू में देखने मिल सकते हैं, मतलब उनकी लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में एज अ विलन देखने मिल सकते हैं। यानी कि लोकेश कनगराज की जो अपकमिंग मूवी है कुली, जिसके अंदर रजनीकांत लीड रोल में है, तो उनके साथ देखने मिल सकते हैं। उनका मतलब उसके अंदर केमियो होगा। अगर आपने विक्रम मूवी देखे तो उसके अंदर रोलक्स की जिस तरह एंट्री हुई थी, तो वैसे ही कुछ सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं आमिर खान को लेके। तो भाई लिटरली मजा ही आ जाएगा, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब एक नया अवतार उनका देखने मिलेगा हमें, जो भाई क्रेजी होगा। देखो कुली को लेकर ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि वो एलसीयू का ही पार्ट होगा, लेकिन जहां तक उन लोग ऐसा मतलब प्लान कर रहे, ये सब मूवी बना रहे, तो शायद वो इसका ही पार्ट होगी एलसीयू की, लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जो मतलब बहुत ही मजेदार तो हो गई। मतलब आमिर खान एलसीयू के एक पार्ट बन जाएगी, तो आने वाले अपकमिंग मूवीज में वो दिखेंगे मतलब एज अ विलन। वो मतलब उनका भी एक कैरेक्टर हमें देखने मिलेगा, उनके भी एक अलग से मूवी देखने मिलेगी, जो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और एलसीयू का क्रेज तो आपको पता ही है भाई, और ऊपर से आमिर खान तो 2000 करोड़ तो कहीं नहीं गए, मतलब सोच के देखो एक बार। और इसके अलावा आमिर खान की गजनी मूवी का भी भाई पार्ट 2 बनने की तैयारी चल रही है, मतलब उस पर बातचीत चल रही है कि गजनी 2 बनेगी। भाई अगर ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगा भाई, बनाओ गजनी 2 का सीक्वल बनाओ, मतलब कोई दूसरी कहानी शुरू मत करना, आगे कहानी कंटिन्यू करना कि आगे गजनी के साथ क्या हुआ, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी दूसरी मूवी का अगर दूसरा पार्ट बनता है तो उन लोग अलग ही स्टोरी शुरू कर देते हैं, जो मतलब लिटरली 100% फ्लॉपी होती है। तो प्लीज अगर आप गजनी 2 बना भी रहे हो तो प्लीज सीक्वल बनाओ, आगे की कहानी कंटिन्यू करो कि आगे गजनी के साथ क्या हुआ, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अभी तो सिर्फ भाई ये रूमर से, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा होता है तो भाई मजा तो आएगा। ओवरऑल अगर आप भी आमिर खान की अपकमिंग मूवीज के लिए एक्साइटेड हो, और इसके अलावा आप भी आमिर खान को एज अ सुपर हीरो देखना चाहते हो, तो अपने विचार कमेंट में बताओ। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय।